नमस्कार। भारत में तमाम दस्तावेज एक तरफ और आपका आधार कार्ड एक तरफ। सभी जरूरी दस्तावेज की लिस्ट पर आपका आधार कार्ड पहले नंबर पर है। आधार कार्ड सिर्फ आपके पहचान का एकमात्र दस्तावेज नहीं, बल्कि बड़े से बड़े सरकारी काम के लिए आधार कार्ड का होना कितना जरूरी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब इसी आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा आधार कार्ड यूनिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें जरूरी जानकारी मौजूद होती है। अब तो बच्चों के एडमिशन के लिए भी आधार बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। लेकिन इसी बीच आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुतों में स्मार्ट आधार कार्ड को लेकर होड़ मची हुई है। हर कोई स्मार्ट आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। दिखने में ये अच्छा भी लगता है और आसानी से जेब में या फिर पर्स में रखा भी जा सकता है। अगर इनमें से आप भी हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि UIDAI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बाकायदा ट्वीट करके UIDAI ने इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राहक खुले बाजार से PVC आधार की कॉपी का इस्तेमाल ना करें। दरअसल UIDAI ने ग्राहकों की सुरक्षा और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आधार को इस्तेमाल ना करने की अपील की है। आधार कार्ड पर निगरानी रखने वाली संस्था UIDAI ने ट्वीट कर कहा, अगर कोई ग्राहक PVC कार्ड या प्लास्टिक कार्ड या स्मार्ट आधार कार्ड खुले बाजार से बनवाता है तो वो मान्य नहीं होगा। UIDAI ने यह भी बताया कि ग्राहक किसी भी आधार कार्ड के जरिए अपना काम चला सकता है। UIDAI ने अपने ट्वीट में साफ लिखा, UIDAI.government.in से डाउनलोड किया गया आधार या आधार लेटर या एम आधार प्रोफाइल या आधार PVC कार्ड जो UIDAI की तरफ से जारी किया गया हो, उसे ही आधार कार्ड से जुड़े काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको यह बता दें, UIDAI ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खुले बाजार से बनाए गए आधार PVC कार्ड में सुरक्षा फीचर्स की कमी होती है। UIDAI ने कहा कि प्लास्टिक कार्ड बनवाने के लिए कोई भी ग्राहक ₹50 देकर पोर्टल पर ऑर्डर कर सकता है। ऐसे में सुरक्षा में चूक हो सकती है। कई बार ग्राहक UIDAI की वेबसाइट से आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड के तैयार हो जाने के बाद उसकी एक PDF कॉपी को फोन या कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। लोग इस कॉपी को बाजार से लैमिनेट कराते हैं और महज कुछ रुपए में PVC कार्ड बनवा लेते हैं। UIDAI ने अलर्ट करते हुए कहा है कि दुकानदार प्लास्टिक का आधार कार्ड तो बना देता है, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होता। यानी ऐसे में आपके आधार नंबर की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इससे बचने के लिए UIDAI ने आधिकारिक वेबसाइट से ही स्मार्ट कार्ड बनवाने की बात कही है।